Hello everyone, I'm here with top 20 idioms used in English grammar. Top 20 idioms जो ग्रामर में यूज किए जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लेकर आए हैं बहुत बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए चर्चा करते हैं। पहला है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मीन्स होता है कावर्डली, कायर। डोंट बिहेव लाइक अ चिकन हार्टेड, मैं सेंटेंस का यूज भी करते जा रहा हूं, एक कायर की तरह से व्यवहार मत करो। डोंट बिहेव लाइक अ कॉवर्ड बोलने के बजाय हम बोल सकते हैं कि डोंट बिहेव लाइक अ चिकन हार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले, मींस आसान काम, समथिंग वेरी इजी। ओ, कुकिंग इज अ चाइल्ड्स प्ले, खाना बनाना बच्चों का खेल है, चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट इज है कॉल अ स्पेड, साफ साफ कहना, मींस टू कॉल अ थिंग एज इट इज, कोई बात हो जैसे है वैसे ही बता देना। जैसे मान लीजिए आई टोल्ड एवरीथिंग टू माई बॉस वेरी क्लियरली, इसी को बोलने के लिए हम बोलेंगे कि आई कॉल्ड एवरीथिंग अ स्पेड टू माई बॉस, मैंने अपने बॉस को सब कुछ साफ साफ बता दिया। अगला है क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, व्यर्थ पछताना, मींस टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, इंडिया मैच हार गई और हम सभी क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। वाई टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क व्हेन द गेम इज ओवर एंड इंडिया हैज लॉस्ट द मैच, अभी चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। अगला देखेंगे कट द गॉर्जियन नॉट, मींस कठिन समस्या का हल निकालना, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। जैसे कैन यू कट द गॉर्जियन नॉट, क्या आप इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, किसी से ऐसा बोल सकते हैं। कैन द मैनेजर ऑफ द बैंक कट द गॉर्जियन नॉट, समस्या का हल निकाल सकते हैं, आई फील यस। नेक्स्ट है कॉल नेम्स, गाली देना, टू अब्यूज, किसी को किसी नए नाम से पुकारते हैं तो वो भी एक गाली देना होता है। पीपल ऑलवेज कॉल रमेश बाई नेम्स, उसको नाम से पुकारते हैं। अगला देखिए कॉल टू अकाउंट, जवाब जवाब मांगना, जवाब देना या जिम्मेदार होना, टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फॉर वन्स कंडक्ट। मोहन इज कॉल्ड टू अकाउंट फॉर द मिसिंग ऑफ मनी। अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू, फॉल्स टीयर्स, पीपल डोंट लाइक क्रोकोडाइल टीयर्स, लोगों को घड़ियाली आंसू पसंद नहीं है, काहे पसंद होंगे भाई, फालतू के आंसू बहाना क्या मतलब है। अगला है कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा जाना, मींस टू कैच वाइल कमिटिंग अ क्राइम, राजू वॉज कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग मनी फ्रॉम द ड्रॉअर ऑफ हिज बॉस। अगला है कट एंड ड्रैड, तैयार, इन रेडीमेड फॉर्म, मीन्स वी ऑलवेज प्रेफर द फूड कट एंड ड्राइड, हम रेडीमेड में आने वाले फूड को मीन्स हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। अमेरिका मीन्स द पीपल ऑफ अमेरिका यूज द फूड कट एंड ड्राइड, अमेरिका के लोग जो है ऐसा भोजन पसंद करते हैं जो रेडीमेड हो, है ना। अगला देखिए कास्ट पॉल्स बिफोर स्वाइन, अंधे के आगे रोवे आपन नैना खोवे, अनयूजफुल व्यक्ति के सामने अपनी समस्या कहना, यहां लिख रहा है कि टू पोर ग्रीफ बिफोर रॉन्ग वंस, गलत व्यक्ति को अपनी समस्या बताना। आई एम नॉट अ पर्सन हु कॉस्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन, ठीक है। अगला देखते हैं कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, सफल होना, माय सन केम ऑफ विद द फ्लाइंग कलर्स एंड ही स्टूड सेकेंड इन द क्लास। अगला देखिए कॉल इन क्वेश्चन, संदेह करना, डाउट, द प्रिंसिपल ऑलवेज कॉल्स इन एवरी वन, प्रिंसिपल को सभी सभी के ऊपर शक रहता है, कॉल इन क्वेश्चन, है ना। अगला देखिए डेड एज द डोर नेल, मृत, क्वाइट डेड, मतलब पूरी तरह से मर जाना, द ओल्ड मैन डाइड एज द डोर नेल, है ना। अगला देखिए डाई इन हार्नेस, सेवा करते मरना, I want to die in harness. All the soldiers like to die in harness.
अगला है डेड लेटर, लागू न रह जाना, नो लॉन्गर इन यूज. द एग्रीकल्चर बिल इज अ डेड लेटर नाउ, अब लागू नहीं रह गया है, हट गया है वो. ड्रॉप इन ओशन अपर्याप्त, 10 रुपी इज अ ड्रॉप इन ओशन फॉर माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या हल करने के लिए 10 रुपए कुछ बड़ी बात नहीं है. डॉग इन मैनगर, डॉग इन मैनगर मीन्स सेल्फिश. द स्ट्रीट इज फिल्ड विद डॉग्स इन मैनर, मैनगर मीन्स ये जो स्ट्रीट है वो लालची लोगों से भरा पड़ा है. नेक्स्ट इज डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, अनएक्सपेक्टेड हीरो, मीन्स कह सकते हैं कि इन वर्ल्ड कप मैच बांग्लादेश प्रूव्ड अ डार्क हॉर्स, खुद को छुपा रुस्तम साबित किया और हरा दिया अच्छे अच्छे लोगों को. अगला है डच करेज, नशे का जोश, मतलब करेज एक्साइटेड बाय वाइन. राजू ऑलवेज शोज द डच करेज एंड सेज द थिंग्स विच ही इज नॉट एबल टू से व्हाइल इन प्लेन मूड, मतलब साफ मूड में वो नहीं कह पाता है, नशे में अपनी बात कह देता है. तो इस तरह से आपने देखा टॉप 20 idioms यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर. और आप ऐसे सेशन आता रहेगा, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है. आप ऐसे वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए. हम मिलते हैं अगले सेशन में. थैंक यू वेरी मच.